हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम दो कलर की ऊन से बुनाई कट बहुत ही सरल सा, आसान सा, सुंदर सा डिज़ाइन डालेंगे। उसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पर 4 के मल्टीपल 56 डाल के दो सिलाई उल्टी उल्टी निकाल कर बॉर्डर बना लिया और एक सिलाई सीधी निकाल ली है ना। अब मैं उल्टी तरफ से अपना बुनाई का डिज़ाइन डाल रही हूँ। उसके लिए मैंने ये पिंक कलर की ऊन ऐड कर लिए और शुरू के चार फंदे मैं उल्टे बुन लूँगी। एक मिनट, ये अच्छी तरह से गर्मी नहीं लग रही है? अरे लग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर मेरा ये कलर अटैच कर लिया, ये देखिए पिंक कलर, और ये मैंने उल्टी तरफ से मेरा पिंक कलर ऐड कर लिया। और फर्स्ट 4 फंदे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 फंदे मैं पिंक कलर से बना लूँगी। इस तरह से देखिए, एक एक दो तीन, तीन फंदे मैंने पिंक बना लिए, एक मैंने स्किप कर लिया, फिर 3 फंदे मैंने पिंक बना लिए। उल्टी तरफ से है हमारे डिज़ाइन की शुरुआत, फिर एक स्किप कर लिया, बिना बुन उतार लिया, फिर 3 फंदे मैंने बुन लिए उल्टे और एक स्किप कर लिया, ये फिर 3 फंदे उल्टे बुन लिए और एक स्किप कर लिया, फिर 3 फंदे उल्टे बुन लिए और लास्ट में एक स्किप कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट रो राइट साइड है। सेकंड रो है सीधी तरफ से, एक फंदा मैं स्लिप कर लूँगी, जो स्लिप किए हुए स्लिप कर लो, बाकी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 3 पिंक सीधे, इसको मैं स्लिप कर लूँगी, फिर 3 फंदे सीधे। सेकंड रो राइट साइड है फ्रेंड्स, 3 फंदे सीधे, एक स्लिप कर लेंगे, 3 फंदे सीधे, एक स्लिप कर लेंगे, 3 फंदे सीधे, एक स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे। ये हमारे सेकंड और राइट साइड है। ठीक है, सीधी तरफ से है इसलिए सीधे बना ले 3 फंदे, एक फंदा स्लिप कर लिया। फिर थर्ड रो में आ गए फ्रेंड्स, है ना। थर्ड रो में हम देखेंगे 3 फंदे उल्टे, जैसे फर्स्ट रो बनाई थी, 3 फंदे उल्टे, एक स्लिप कर लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, एक स्लिप कर लिया, फिर 3 फंदे उल्टे। थर्ड रो रॉन्ग साइड है, फिर एक स्लिप कर लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, एक स्लिप कर लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, एक स्लिप कर लिया। ठीक है, अब चौथी रो फ्रेंड्स है, ये इसी पिंक कलर से है तो आगे से, लेकिन पूरे सभी फंदे में उल्टे उल्टे बुन लूँगी, पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ सभी फंदों को। ये स्लिप किए हुए फंदे उनको भी मैं उल्टा बुन लूँगी और बाकी सारे फंदों को उल्टे उल्टा बुन लूँगी। चौथी सिलाई है फ्रेंड्स मेरी, ये इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, चौथी सिलाई राइट साइड से पूरी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करके बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाई में मेरा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब 5वीं सिलाई में आ गए, 5th रो रॉन्ग साइड। अब मैं ये बेस कलर से बनाऊंगी, मैंने 3 फंदे वैसे ही फर्स्ट रो की तरह, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा यहाँ स्लिप कर लेंगे। ठीक है, अब 4 सिलाई इस कलर से निकालेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। बहुत सरल है फ्रेंड्स ये डिजाइन, और एक उतार लिया बिना बुने, फिर 3 फंदे उल्टे, एक बिना बुने उतार लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक बिना बुने उतार लिया, फिर 3 फंदे उल्टे, और लास्ट वाला बिना बुना कर लिया। ये उल्टी तरफ से मैंने नया कलर से डिजाइन डाल लिए हैं,
फोर रो का पैटर्न है फ्रेंड्स। अब देखिए राइट साइड आ गए, एक फंदा मैंने पिंक वाला उतार लिया, अब ये तीन फंदे राइट साइड है इसलिए हम सीधा बुनेंगे। तीन फंदे सीधे, एक उतार लिया, तीन फंदे सीधे, एक उतार लिया, इसी तरह ये किए चार रो आगे बनेंगे फ्रेंड्स। डिजाइन बुनकर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स और बहुत आसान है, बिगनर भी इसे बना सकते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सेकंड कलर से मैंने मेरी सेकंड रो निकाल लिए, ये तीन फंदे मैंने बुन लिए। ठीक है थर्ड रो में आ गए, थर्ड रो भी वैसे तीन फंदे उल्टे, चार सलाई इस कलर से निकलेगी और चार सलाई इस कलर से निकलेगी। मैंने चार के मल्टीपल से फंदे डाले हैं फ्रेंड्स। देखिए ये मेरा थर्ड रो है, तीन उल्टे एक स्किप कर लिया, तीन उल्टे और एक स्किप कर लिया, डाल लिया बिना मैंने, फिर तीन उल्टे, लास्ट वाला फंदा मैंने स्किप कर लिया। ठीक है थर्ड रो निकल गई रॉन्ग साइड से, फोर्थ रो राइट साइड से, फोर्थ रो राइट साइड से इसी कलर से, बेस कलर है ना हमारी इसी कलर से मैं पूरी सिलाई चौथी सिलाई है तो राइट साइड लेकिन उल्टे उल्टे निकाल कर कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा मैं बुनकर इसका फाइनल लुक बताती हूँ आपको कैसा दिखता है, बहुत सरल डिजाइन है, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें तभी फ्रेंड्स पता चलेगा क्या बन रहा है कैसा बन रहा है। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई बातों बातों में उल्टी निकाल ली है, चार सिलाई इस कलर से निकाल ली है बेस कलर से। ठीक है हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स। ठीक है अब चार सिलाई में पिंक कलर से निकाल के थोड़ा बुन का फाइनल लुक बताती हूँ आपको कैसा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स मेरी डिजाइन का फाइनल लुक कुछ ऐसा दिखता है, देखिए कितना उभर कर कितना अच्छा आया है ना। तो इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों के कैप में, बच्चों के सॉक्स में, मफलर में, कार्डिगन में, हाफ स्वेटर में, जैकेट में, कुर्ती में, किसी में भी अप्लाई करें बहुत सुंदर बन के आता है। मात्र चार सिलाई का, सीधी उल्टी निकालनी, एक स्किप करना है बीच में। तो आई होप आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया है, पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको पता ही है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना टोटली फ्री है, तो गिव मी अ बिग सपोर्ट। और आप ये क्या क्या कहते हैं अपना फीडबैक दें कमेंट करके कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं, और भी कुछ आपको डिज़ाइन सीखना है तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगी। और फ्रेंड्स आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, आपका दिन अच्छा व्यतीत हो इसी शुभकामनाओं के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।